नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूँ आपके साथ शीनम शर्मा। और सबसे पहले बात करते हैं यमुनोत्री धाम की, जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। दो दिन में 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और यमुनोत्री में, जहां पर पुलिस ने यमुनोत्री धाम को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। पुलिस ने लोगों से आज के लिए यमुनोत्री की यात्रा टालने की अपील की है। पुलिस का ये कहना है कि यमुनोत्री धाम में आज के लिए पर्याप्त श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और ऐसे में ज्यादा लोगों को भेजना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए पुलिस ने श्रद्धालुओं को आज यमुनोत्री न आने की सलाह दी है। यमुनोत्री धाम की जो ऑलरेडी वहाँ पे 8 से 9 हज़ार यात्री ऑलरेडी पहुँच चुका है, तो आज मेरा सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जो भी अपने पड़ाव पे हैं, चाहे हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो या उत्तरकाशी में हो, तो वो अपनी यात्रा को, यमुनोत्री धाम की यात्रा को आज जो है स्थगित रखें और अपने सुरक्षित बने रहें, अपने अपने जहाँ भी पड़ाव पे हैं, या फिर अपनी यात्रा को आज गंगोत्री की तरफ डाइवर्ट कर लें, क्योंकि आज यमुनोत्री धाम पूरी तरीके से पैक हो चुका है और जो है ऊपर किसी भी तरह की कोई कैपेसिटी नहीं है। और मैं आप सभी लोगों से एक और बार विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आज यात्रा अपनी स्थगित रखें। भगवान बद्री विशाल के कपाट पूरे विधि विधान के साथ 6 महीनों के लिए भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। कपाट खुलने के समय करीब 20,000 से ज्यादा लोग मौजूद रहे। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। अगले 6 महीनों तक भक्त यहाँ पर भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पाएंगे। 10 बजे भगवान बद्री विशाल का महाअभिषेक होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा की जाएगी। और बता दें कि शुक्रवार को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे। भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के भी कपाट शुक्रवार को खुल चुके हैं। वहीं चारों धामों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। आस्था और भक्ति का सैलाब बद्रीनाथ धाम में उमड़ा है। सुबह ठीक 6 बजे पूरे विधि विधान के साथ भू वैकुंठ बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। रिमझिम बारिश के बीच कपाट खुले तो भक्तों का उत्साह, उमंग और आस्था चरम पर दिखी। कपाट खुलते ही धाम जय बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठा। भगवान बद्री विशाल के कपाट काल के लिए ठीक 6 बजे खोल दिए गए हैं। आज से भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना अब नर यानी कि रावण जी करेंगे। 6 माह तक जहां शीतकाल में नारद भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करते थे, तो वहीं कपाट खुलने के बाद अब नर के रूप में रावण जी भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करेंगे। खराब मौसम के बीच आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे श्रद्धालु सुबह से ही छाता लेकर खड़े हैं और भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने का इंतजार कर रहे थे। ठीक जैसे ही 6 बजे प्रातःकाल कपाट को खोल दिया गया है। आर्मी बैंड एवं ढोल नगाड़ों की मधुर धुन और स्थानीय महिलाओं के पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ भगवान बद्री विशाल की स्तुति ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। धाम में हर कोई भक्ति से लबरेज दिखाई दिया। हम लोग यहाँ पर बद्रीनाथ को ऊनी वस्त्र देते हैं और 6 महीने बद्रीनाथ जी हमारे वस्त्र में रहते हैं। आज भगवान जी का कपाट खुला हुआ है, इसलिए हम माणा गांव के लोग सभी लोग यहाँ पे भगवान जी के दर्शन करने आए हैं। ये हम हवाबूधारियों में से हैं। आज 6 महीने बाद भगवान बद्री विशाल के पुनः दर्शन हो रहे हैं और इससे खुशी और क्या हो सकती है। भगवान बद्री विशाल से है कि देश में सुख शांति रहे और सभी धन धान्य रहे। कपाट खुल गया, मूर्ति सर सब जो चका चक है, बिल्कुल बड़ा सुंदर से और बड़ा मंगल बरस रहा था जब कपाट खुल रहे थे। भगवान चकाचक घी में लवा लवे जैसा चाहते थे वैसा मिला हमें, आज मूर्तियां सुंदर मिली हैं। बद्रीनाथ धाम को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। इसके साथ ही प्राचीन मठ और मंदिरों की सजावट भी भव्य की गई। पहले ही दिन बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का हजूम उमड़ा।
और भक्त लंबी लंबी लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। बहुत खुशी हो रही है जी, मन लाइन में पूरा जी झूम झूम के नाचे जी। कब से खड़े हैं आप लाइन पे? सर एक ही स्कैट है, एक बजे से लगे हुए हैं जी, और भगवान के दर्शन के लिए खड़े हैं। बारिश भी हो रही है, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। और आज कपाट खुल गया सब भक्तों के लिए, और बहुत अद्भुत दृश्य देख रहे हैं आप, एकदम मनमोहक है और बहुत ही भक्तों में खुशी का लहर है। भगवान 6 महीना के लिए बद्री विशाल की कपाट खुल चुका है। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 माह के अंतराल के बाद खुले हैं। पिछले साल 18 नवंबर से शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए थे। इसके साथ ही उत्तराखंड के 4 धामों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इससे पहले 3 धाम केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट बीते शुक्रवार अक्षय तृतीया के दिन 10 मई को ही खोले जा चुके हैं, और सभी धामों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बद्रीनाथ धाम से न्यूज 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। चारों धामों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। केदारनाथ धाम में 2 दिन में भक्तों का आंकड़ा 50,000 को पार कर गया है। देश विदेश से तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। वहीं पुलिस भी केदार में पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है, तीर्थयात्रियों की मदद कर रही है। वहीं यमुनोत्री धाम यात्रा में अब तक 20,202 यात्री दर्शन कर चुके हैं, जबकि गंगोत्री धाम में 7,406 यात्रियों ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम की यात्रा पर पिछले 2 दिन में 20,000 से ज्यादा यात्री पहुंचने से जाम के हालात बन गए हैं। जाम के कारण यात्री रात भर जगह जगह पर फंसे रहे, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और जाम को खुलवाया। वहीं यमुनोत्री धाम की यात्रा को गंगोत्री धाम की ओर डायवर्ट किया गया। यात्री की संख्या बहुत ही ज्यादा थी, इतने एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने, पर इतनी ज़्यादा होने के बावजूद यहाँ की पुलिस ने काफ़ी अच्छे से मदद किया, सब जाम क्लियर करवाया। 24 घंटे के पार भी लोग खड़े हुए थे, बट जैसे ही लोकल पुलिस जी और सबको पता चला यहाँ पे आए और तुरंत ही क्लियर करवाया। आप जैसे देख सकते हैं अभी पूरा जाम खाली हो गया है। चारधाम की तर्ज पर कुमाऊं में आदि कैलाश यात्रा का भी क्रेज बढ़ गया है। प्रधानमंत्री के ओम पर्वत आदि कैलाश यात्रा के बाद अब बहुत कुछ बदल गया है। KMVN यात्रियों को सुगम यात्रा देने में जुटा हुआ है। चार धाम यात्रा के बीच अब कुमाऊं में आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा शुरू होने जा रही है। 13 मई को पहला जत्था आदि कैलाश की यात्रा पर निकलेगा, तो कुमाऊं मंडल विकास निगम भी यात्रा के लिए तैयार है। यात्रा रूट पर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। दिल्ली काट गोदाम और धारचूला से होने वाली इस धार्मिक यात्रा में इस बार 500 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि पहली बार ऐसा होगा कि लोहाघाट से 50 यात्रियों का दल जाएगा, जो कुमाऊं के सभी मंदिरों के दर्शन कर वापस लौटेगा। इस बार एक महत्वपूर्ण बात है कि टनकपुर से 18 तारीख को 50 यात्रियों का एक दल जाएगा, जिन्हें मायावती आश्रम के भी दर्शन करवाए जाएंगे, और वापसी उनकी काठगोदाम से होगी, तो इस तरह से वो पूरा कुमाऊं क्षेत्र का भ्रमण कर सकेंगे। दरअसल आदि कैलाश और ओम पर्वत का क्रेज प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद बढ़ा है, तो सरकार ने भी इस यात्रा को कैलाश मानसरोवर यात्रा की तर्ज में विकसित करने में जुटी है। हालांकि KMVN यात्रियों को कुमाऊं के देवालय कैंची धाम, जागेश्वर, पाताल भुवनेश्वर समेत सभी मंदिरों का अनुभव भी इस यात्रा में देने का प्लान बनाया है। इसके साथ ही पहाड़ की लोक सांस्कृतिक परंपरा के साथ खान पान को भी प्रमोट करने में जुटा है। इस बार भी जो हमारा कुमाऊनी खाना है, पहाड़ी खाना है,
उसको हम मेन्यू में रख रहे हैं लंच में अथवा डिनर में। एक आइटम हमारी पहाड़ी कुमाऊनी खाने की रहेगी, जैसा पूर्व के सालों में भी होता आया है, और मेन्यू तैयार कर दिया गया है और कुक्स को भी ट्रेनिंग करवाई गई है उसकी। उम्मीद है यात्रियों को खाना पसंद आए। बहरहाल कभी दुर्गम और कभी कठिन माने जाने वाली ये यात्रा आज आसान हुई है, तो श्रद्धालु भी बाबा के धाम जाने की कामना लेकर यहाँ पहुँचते हैं। अगर और सुविधाएं इस यात्रा में बढ़ जाएं, तो आदि कैलाश भी चार धाम की तरह विश्व विख्यात हो जाएगी। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज मुंबई के दौरे पर हैं, जहां पर सीएम धामी आज चुनाव प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री मुंबई के विले पार्ले, भांडुप और दहिसर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और जनता से बीजेपी के लिए वोट की अपील करेंगे। सीएम आज मुंबई में ही रात्रि विश्राम करेंगे। उत्तराखंड में अब जितना पानी आप इस्तेमाल करेंगे उसी हिसाब से आपको पैसा देना होगा। उत्तराखंड जल संस्थान अब पानी की बर्बादी को लेकर स्मार्ट मीटर लगा रहा है, जो आपकी खपत के हिसाब से पानी का बिल देगा। गर्मियों में जिस तरह से पानी की किल्लत हो रही है, उसे देखते हुए अब जल संस्थान पानी के स्मार्ट मीटर लगाने जा रहा है। पानी के इन स्मार्ट मीटर से आपकी पानी की खपत के हिसाब से पानी का बिल आएगा। अब तक 47,000 से ज्यादा कस्टमर्स के घर पानी के मीटर लग चुके हैं, जिसमें देहरादून के जोगीवाला, सालावाला जैसे इलाके शामिल हैं। वहीं अब दून के ही वसंत विहार और राजपुर रोड के इलाकों में पानी के मीटर लगेंगे और उसके बाद बाकी इलाकों में। यानी अब तक जैसे बिजली की खपत पर बिल आता है, ठीक वैसे ही आपका पानी का भी बिल आएगा। बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ा जो बड़े खर्च करते हैं, ज्यादा पानी खर्च करते हैं, बड़े लोग हैं, उनके बड़े बड़े बागान हैं, बगीचे हैं, तो और उनकी पेइंग कैपेसिटी भी है, तो ये पैरामीटर हमने सोचा है। और हम पहले जैसे हमने अभी सालावाला में लगाया है, वसंत विहार हमने सोचा है कि उसमें लगाएंगे और इसकी प्रक्रिया भी चल रही है। जिन लोगों के घर में पानी की किल्लत है, वो चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर लगे, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि बिना मोटर लगाए पानी नहीं आता और मोटर लगाने से पानी और बिजली दोनों का बिल ज्यादा आएगा। पानी आ रहा है एक ही उससे आ रहा है पानी, अब अंडरग्राउंड जहाँ पे आ रहे हैं, जहाँ टैंक बने हैं, वहाँ तो परेशानी है। स्मार्ट जो मीटर लगेंगे वो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि जो लोग फालतू में पानी को वेस्ट करते हैं तो उसका यूज नहीं करते हैं। मान लो नल चल रहे तो चल ही रहे, बस्तियों में देखिए आपके पानी बिल्कुल बहता रहता है, कोई ना उसे बंद करता है, कहीं पे उस पे टोटी नहीं होती, कुछ नहीं होता है। इसका गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अगर पूरी तरीके से लागू किया जाए इससे पानी की बर्बादी जो है कम होगी और लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा पानी की बर्बादी से बचने के लिए। देहरादून में रोजाना 2,00,000 के करीब कस्टमर 300 MLD पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई इलाकों में पानी की बर्बादी के बाद अब जल संस्थान सख्ती बरतने के मूड में है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल रायबरेली में राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत ने पहले हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड में ही कहीं पर भी प्रचार नहीं किया और अब कहीं भी ना जा पाने के लिए हरीश रावत ने पार्टी से माफी भी मांग ली है। बीजेपी इसे गंभीर मामला बता रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नेता विपक्ष यशपाल आर्य हरियाणा में प्रभारी शैलजा के लिए प्रचार कर चुके। पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल रायबरेली में जुटे हैं, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा रविवार से दिल्ली हरियाणा के दौरे पर जाएंगे। पर ऐसा क्या हुआ कि एक्सीडेंट के बावजूद पूर्व सीएम हरीश ने हरिद्वार में अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए तो प्रचार किया, लेकिन अब दूसरे राज्यों में जाने की बात पर पार्टी से माफी मांग ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में हरीश रावत ने लिखा कि मैं पार्टी का आभारी हूं कि पार्टी ने मुझे दिल्ली से कुछ राज्यों में पार्टी के स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी दी है। दुर्घटनाग्रस्त शरीर की असमर्थता के कारण मैं अपने इस दायित्व को ठीक से नहीं निभा पा रहा हूं। मैं पार्टी और पार्टी उम्मीदवार दोनों से क्षमा प्रार्थी हूं। बात सिर्फ इतनी नहीं है, हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे लेकिन इस बार हरिद्वार छोड़ कहीं भी प्रचार नहीं किया।
यूपी में पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाया, लेकिन रायबरेली अमेठी तक नहीं बढ़े। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने हरीश रावत से किनारा कर लिया है और हरिद्वार में भी उन्होंने प्रचार पुत्र मुंह में किया। और आज हरीश रावत पूरे देश भर के किसी भी चुनाव में, यहाँ तक कि इनकी चुनाव जो हमारे यहाँ की इनकी कांग्रेस के प्रभारी है उनके चुनाव में या कहीं भी वो नहीं जा रहे हैं। या तो ये है कि अब इन्होंने मान लिया कि अब इनकी पारी खत्म हो गई है, या पार्टी ने इनको नकार दिया। मामला कांग्रेस के अंदर का है और बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस और हरीश रावत हैं। ऐसे में जब बीजेपी ने हरीश रावत के सोशल मीडिया पोस्ट पर सवाल खड़े किए तो जवाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आया। देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल जी अगर संवेदनशील व्यक्ति होते तो आदरणीय हरीश रावत जी के बयान का जो है गलत अर्थ नहीं निकालते। हरीश रावत जी इस उत्तराखंड के सबसे वरिष्ठ राजनेताओं में हैं और विपक्ष भी जो है इस बात को भली भांति मानता है। हरीश रावत जी ने अगर कहा है कि उनका स्वास्थ्य खराब है तो निश्चित तौर पर उनका स्वास्थ्य खराब है। प्रचार में न जाने के लिए हरीश रावत ने एक्सीडेंट और सेहत को वजह बताया, पर हरिद्वार में बेटे के लिए करीब एक महीने प्रचार करने के बाद ये बात विपक्ष के गले नहीं उतर रही। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। हरिद्वार के शिवालिक नगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की दबंगई सामने आई। यहां पर शिवालिक नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी ऑफिस पहुंचकर बीजेपी मंडल अध्यक्ष और युवा मोर्चा के नेताओं ने अधिशासी अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के साथ अभद्रता की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की दबंगई का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता धमकाते हुए और उनके साथ अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर सुरक्षा कर्मी के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगा है। स्ट्रीट लाइट से संबंधित विवाद को लेकर ये लोग ऑफिस पहुंचे थे। सुरक्षा कर्मी की तरफ से मंडल अध्यक्ष कैलाश भंडारी समेत अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दे दी गई है। उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाए जाने के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। उत्तराखंड में सड़कों के किनारों पर अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को लेकर आदेशित किया है। साथ ही कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वो 15 साल से ज्यादा जमीन पर कब्जों का विवरण कोर्ट में पेश करे। कोर्ट ने ये सभी डिटेल 9 जुलाई तक शपथ पत्र के साथ कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है।